सभी को नमस्कार। ज्यादा सोचने की बीमारी से कैसे बचें, आइए हम ये सुनते हैं कि हम ज्यादा सोचते हैं। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें, धन्यवाद। ज्यादा सोचना हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अपनी परेशानी को लेकर विचारों में गहरे उतर जाना हमें अंदर से बहुत दुखी कर देता है। हम बेचैन हो जाते हैं। जिंदगी में अगर हम हर बात को जीने मरने का सवाल बना देंगे तो फिर हमें रोज मर के ही जीना पड़ेगा। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके रातों की नींद तो पक्का जाने वाली है। ज्यादा सोचने वाला इंसान हमेशा बेचैन रहता है। आप उसे कभी खुश और सुखी नहीं देखोगे। वास्तव में यह एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD कहते हैं। ऐसे लोगों का मन लगातार चलता ही रहता है। एक के बाद एक मन में ख्याल चलते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि एक पल के लिए भी मन रुकता ही नहीं है। ऐसे लोग हमेशा डर में ही जीते हैं। कुछ बुरा होने का डर, कुछ नुकसान होने का डर, बिजनेस के नुकसान होने का डर, पढ़ाई का डर, रिश्तों के टूट जाने का डर, किसी के छोड़ जाने का डर। हमेशा ऐसे लोगों के मन में एक डर बना रहता है। जिन बातों की हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, वास्तविकता में उनको जीवन में होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर हम उन बातों के बारे में लगातार सोच सोच के अपने मन को कमजोर और बीमार बना लेते हैं। मेरी नजर में सफल इंसान वही है जो चिंता और तनाव से मुक्त जीवन जीता है। जो चिंताओं और मन के ख्यालों में हमेशा डूबा रहता है, वो इंसान असली मायने में जीवन में असफल इंसान है। ज्यादा सोचने वाले लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं और बहुत जल्दी ही इनके सर में और शरीर में दर्द होने लगता है। स्टैमिना नहीं होती, क्योंकि आपका शरीर आपके मन के पीछे चलता है। अगर आपका मन कमजोर हो जाता है तो उसके साथ आपका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे लोग बिस्तर पर तो लेट जाते हैं पर दिमाग चलता ही रहता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें नींद भी नहीं आती। ज्यादा सोचने की वजह से भूख भी बिगड़ जाती है। ऐसा इंसान या तो बहुत ज्यादा खाने लगता है या उसे खाने में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा इंसान हर बात को दिल पे ले लेता है और बहुत जल्दी उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन में ऐसी परेशानियों को पैदा कर देती है जो वास्तव में होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आजकल सब लोग इसे नॉर्मल मानते हैं कि चिंता तो सबको होती है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। सबसे पहले तो आप इसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि बहुत ज्यादा सोचते रहना नॉर्मल नहीं है। ये एक बीमारी है आपके मन की। तभी आप इस ओवरथिंकिंग की बीमारी से छूट पाओगे। अगर आप इस परेशानी से छूटना चाहते हो तो ये 5 बातें आप जरूर करें। सबसे पहली बात, अपने आप को पूरी तरह से नेगेटिव विचारों से सुनने और देखने से बचाएं। कोई भी विचार सुन लेना, देख लेना बहुत आसान होता है, पर उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव बातें आपके मन को कमजोर करती है और पॉजिटिव बातें आपके अंदर एक शक्ति भरती हैं। पॉजिटिव बातों के लिए जरूरी है आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी संगत में रहें, अच्छी बातें सुनें और देखें। जितना हो सके अपने मन को नेगेटिव विचारों से बचा के रखने की कोशिश करें। दूसरी बात, जिस काम को करने में आपको डर लगता है ना, उसे कर डालें। क्योंकि अगर आप डर के मारे उस काम को करते ही नहीं तो धीरे धीरे ये डर आपकी पूरी जिंदगी पे असर करने लगता है। डरना गलत नहीं है, पर डर के कुछ ना करना गलत होता है। जब आप उस काम को कर जाते हैं जिसे करने से आप बहुत डरते हैं, तो आपको समझ आता है कि आप बेवजह ही डर रहे थे और आपका सारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जहां डर ही खत्म हो गया तो आपका मन शांत और हल्का हो जाता है और मन के अंदर एक शक्ति और आत्मविश्वास जागता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा काम कर जाएं, पर आप वो काम जरूर करें जिसने आपके अंदर डर बिठा रखा है, जिसको करने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तीसरी बात, सही समय पर सही मात्रा में सही भोजन लें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ना ज्यादा खाने वाला इंसान सुखी रह सकता है, ना कम खाने वाला इंसान सुखी रह सकता है, क्योंकि आपके भोजन का आपके मन पे सीधा असर पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसा अन्न तैसा मन। जो आपके मन को जचता है वो मत खाओ,
जो आपके शरीर को पचता है वो खाओ। मैं एक व्यक्ति से मिला, वो खाना खाने से पहले एक गोली लेते थे और खाना खाने के बाद भी एक गोली लेते थे। मैंने उनसे पूछा, ये दवाइयाँ आप क्यों खाते हैं? तो वो बोले, मेरा डाइजेशन सिस्टम वीक है, कमजोर है, मेरे पेट में आसानी से खाना पचता नहीं है। मैं एक गोली इसीलिए लेता हूँ कि भूख लगे, और एक इसलिए जो मैंने खाया वो पच जाए, हजम हो जाए। तो मैंने पूछा, इसका कोई और हल नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, इसका हल है पर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि जो खाना मुझे खाना चाहिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इन दवाइयों की मदद से मैं वो खाना खा सकता हूँ जो मुझे पसंद है। मतलब हद है। आपको पता भी है कि आपको क्या खाना है, आपको पता है कि ये खाना मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, पर फिर भी आपको वो खाना है। ऐसा भी क्या मन का स्वाद, ऐसा भी क्या मन का गुलाम बनना। तो आप वो खाएं जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, ना ही आपकी चटोरी जुबान के लिए अच्छा हो। हाँ, कभी कभी चलता है, आप खा सकते हो, पर अधिक समय आप वही भोजन खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सही समय पर सही मात्रा में सही भोजन खाएं। आप क्या खाते हैं इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ने वाला है। तो अगर आप मन की शांति चाहते हैं, मन में ठहराव चाहते हैं, तो आप अपने आहार को सही करें। चौथी बात, रात को जल्दी सोएं और सुबह को जल्दी उठें। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो इंसान रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है, उसके शरीर की 70% बीमारियां, 70% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रोगों को अपने आप ठीक करने की एक अद्भुत ताकत है। जैसे ही हमारे शरीर को पूरी नींद मिलती है, सही नींद मिलती है, वैसे ही हमारा शरीर खुद से खुद को ठीक करने लग जाता है। देर रात तक जागना और सुबह को देर तक सोना, ये आपके मन के कमजोर होने के लक्षण हैं। रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, इसका सीधा असर आपके शरीर और मन पर पड़ेगा, जिससे आपके मन के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को ज्यादा शांत और बेहतर अनुभव करेंगे। पांचवी बात, मेडिटेशन। आप रोज 15 मिनट ध्यान जरूर करें, वैसे तो 30 मिनट करना चाहिए, पर शुरुआत में आप 15 मिनट से शुरू करें। ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। जैसे समय समय पर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही मन को भी डिटॉक्स करना जरूरी है। मन से भी नेगेटिव विचार बाहर निकालना जरूरी है, मन को भी प्योर करना जरूरी है, और उसके लिए बेहद जरूरी है नियमित ध्यान। अपने दिमाग से आप ये ख्याल निकाल दें कि ध्यान करना धार्मिक लोगों का काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान आज के इस चिंताओं के युग में हर इंसान की जरूरत बन चुका है। ध्यान करने से नेगेटिव विचार अपने आप कम होने लगते हैं, और लगातार ध्यान करते रहने से आपके मन में ठहराव आने लगता है, आप खुद को ज्यादा शांत और सुखी अनुभव करते हैं। याद रखना एक बात, चिंता करने से, बहुत ज्यादा सोचने से ना आपके बीते हुए कल का दर्द कम होने वाला है, ना ही आपके आने वाले कल का भविष्य अच्छा होने वाला है। हाँ, इतना जरूर होगा कि आपका आज बिगड़ जाएगा, आपका आज दुख और उलझनों में निकल जाएगा। तो ना बीते हुए कल के बारे में दुख करें, ना आने वाले कल की चिंता करें। आपके हाथ में आज है, आप इसे बेहतर बनाएं, आप इसे सुंदर बनाएं, तो आपकी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। सच कहूं तो इस दुनिया में वही इंसान सुखी है जिसका मन शांत है और ठहरा हुआ है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें। धन्यवाद।